अध्ययन करते हैं हम लोग हिंदी भाषा एवं बोली के अंतर्गत प्रथम सोपान हम लेते हैं जिसमें हम कहेंगे आपको हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। ये सभी प्रश्न बनते चले जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आएगा हिंदी शब्द की उत्पत्ति। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है आपके फारसी भाषा से। किस भाषा से? एक एक शब्द हमारा आपके लिए एक प्रश्न होगा। कहां से? फारसी भाषा से। सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो एक कवि हुए हैं जिन्होंने पहेलियां, मुकरियां, गजलें आदि लिखी हैं। उन्होंने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। हिंदी जो शब्द है ये सिंध शब्द से बना है, सिंधी शब्द से बना है। फारसी भाषा में सा को हा कहकर पुकारा जाता है। तो जो आक्रमणकारी थे ये जब आए तो यहाँ पर एक नदी थी जिसका नाम था सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे लोग कबीला और समुदायों में रहते थे क्योंकि पानी के किनारे भोजन की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। मनुष्य को जीने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में यहाँ पर एक नदी ये सबसे ठीक ठाक थी जिसको सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग सिंधी कहलाए और इनका सबसे पहला जो पालित पशु था वो घोड़ा था और उसके बाद में कुत्ता आया है। कुत्ता और घोड़ा ये पालते थे तो जो घोड़ा था उसको सैंधव इसीलिए कहा जाता है। घोड़े का एक पर्याय है सैंधव। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग सिंधी, पालित पशु सैंधव, ठीक है, और इनकी भाषा भी सिंधी ही कहलाई। चिरकाल में धीरे धीरे जब बाहरी लोग आए उन्होंने फारसी भाषा में साकोहा कहा तो यहाँ पर रहने वाले लोग सिंधी की जगह क्या कहलाए? हिंदी कहलाए। क्या कहलाए? हिंदी। हिंदी से हिंदू शब्द बना और हिंदू शब्द से उस सभ्यता को मानने वाले हिंदू कहलाए। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है अपितु हिंदू एक संप्रदाय या एक कबीला है जिसका इतना विस्तार हो गया है। धर्म सनातन है, ये बात याद रखना। आप लोग हिंदू धर्म कहते हो ये उचित नहीं है। धर्म हिंदू न होकर सनातन है, आपका सनातन धर्म है। और हिंदू एक कबीला और संप्रदाय जिसको कह सकते हो, कबीला या संप्रदाय है वो हिंदू। और हिंदू की भाषा हिंदी और जहाँ रहे वो हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। आपके कवि हुए हैं क्या नाम है इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने एक कविता लिखी है गाओ भैया दय दय तान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। वहां पर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुओं का स्थान और स्थान को स्थान कहना ये मुस्लिम की सभ्यता थी। इसलिए मुस्लिम जब आक्रमणकारी आए तो इन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहा और हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी कहा। तो इस तरह से इसमें बहुत से नाम बदलते गए। भारत एक ऐसा देश है जिसके प्रारंभिक काल से लेकर और आज तक विभिन्न नाम पड़े हैं। जैसे इसका पहले नाम इंद्रोस था, फिर जम्बूद्वीप पड़ा, इंद्रोस जम्बूद्वीप भरतखंड है ना, इंद्र आर्यावर्त, इंडिया इड्स, इंडिया भारत हिंदुस्तान। तो मुझे लगता है भारत से ज्यादा नाम अभी तक और किसी देश के, एक बार मैंने गिना था इस तरह से इसके 12 नाम है, तर्कसंगत 12 नाम है अपने भारत के। और वर्तमान में भी 2-3 नाम बहुत प्रचलित है, भारत इंडिया हिंदुस्तान, ये 3 नाम तो अब भी प्रचलित है। ऐसा हमने किसी लगभग ज्यादातर देशों के साथ ऐसा नहीं है। खैर ये हमारा अपना जो भी है सौभाग्य दुर्भाग्य पता नहीं। लेकिन अब आपको ये पता चल गया कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से हुई, इसका इतिहास क्या है, पूरी बात आप समझ गए। कोई दिक्कत है इतने में? भाषा एवं बोली में अंतर क्या है? बोली तो जानवर भी बोलते हैं,
लेकिन हम जो बोलते हैं भाषा, भाषा का मतलब होता है अपने विचारों को व्यक्त कर लेना। ऐसी शब्दावली जिसमें अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता होती है उसे भाषा कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो व्याकरण से परिनिष्ठित है उसको भाषा कहते हैं। जो व्याकरण से, जिसका कोई व्याकरण है, या हम सीधे सीधे सीधी भाषा में ये कह सकते हैं, जिसका कोई व्याकरण है उसको हम भाषा कहते हैं, और जिसका कोई व्याकरण नहीं है उसको हम बोली कहते हैं। समझ में आई तो ठीक, नहीं समझ में आई तो कोई उसका नियम निर्देश नहीं है। स्पष्ट बात हुई? बोली क्षेत्रीय होती है, भाषा आधिकारिक होती है। कोस कोस पर बदले, क्या है ऐसा कुछ कहा जाता है, कोस कोस पर बदले पानी चार को, कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर बानी, मतलब बानी मतलब बोली, बोली आपके चार कोस पर मतलब 10-12 किलोमीटर पर बदल जाती है। ठीक, क्यों बदल जाती है? जैसा भौगोलिक क्षेत्र होगा, जैसे रहन सहन होगा, उसके आधार पर वो अपनी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको है तो कहोगे कीचड़ लग गया, वो कहे सब चाला लग गया, वो कहोगे कपड़े गीले हो गए, कपड़ा ओदे हो गए। तो ये शब्द क्या है? ये अपना क्षेत्रीय प्रभाव है, ये उधर से मत जाना, सौंध जाओगे। क्या है नीरो चाला भरो है, तो ये शब्द क्या है? देखो वो देख, वो देखो मूसा जा रहा है। तो ये क्या है? ये बोली अलग अलग है। भाषा के प्रकार, भाषा के हम 9 प्रकार पढ़ेंगे। भाषा के प्रकार कितने हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक भाषा की। कौन सी भाषा? मौखिक का मतलब हमने आपको कल भी बताया था, जो मुखारविंद से जिसका प्रयोग किया जाए वह मौखिक भाषा। पढ़े लिखे की अलग टाइप की होगी, अनपढ़ व्यक्ति की। लिखित भाषा, जब हम विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? राजभाषा। राजभाषा का तात्पर्य होता है किसी देश के अंतर्गत जो राज्य विभाजित किए गए हैं, वह राज्य विभाजन भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत के आधार पर किया जाता है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया, एक उत्तराखंड कर दिया गया और उत्तर प्रदेश जिसका 10 था हमारा, उसको उसका हिस्सा कम किया गया। क्यों कम किया गया? क्योंकि एक प्रदेश में जो योजना पारित की जाती है वो पूरे प्रदेश के लिए सामान्य बराबर रहती है, परंतु जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम समतल में रह रहे हैं और उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में क्षति जनधन की हानि अधिक होती है। क्यों? जरा सा भी एक पत्थर ऊपर से गिरा, 2-4 घर उससे तबाह हो जाते हैं, वहां पर जान का खतरा अधिक है। वहां की भाषा शैली और संस्कृति, वहां का रहन सहन अलग है, तो वहां पर आर्थिक व्यवस्था अलग रहेगी, यहां पर आर्थिक व्यवस्था अलग, इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिया गया। बात समझे? बंटवारा क्यों होता है? बंटवारा संस्कृति और भौगोलिकता के आधार पर होता है। वहां पर अनाज आप उतना बढ़िया नहीं उगा सकते हो जितना समतल भूमि पर उगा सकते हो, तो यहाँ का जनजीवन तुम्हारा जीना आसान है और वहां पर जीना कठिन है, तो इसलिए उनका बंटवारा हुआ। और जब बंटवारा होता है तो संस्कृति के आधार पर वो उसकी भाषा भी अलग हो जाती है। तो राजभाषा का मतलब होता है एक राज्य की भाषा जो कि वहां के लोगों के रहन सहन और उनकी संस्कृति के आधार पर विभाजित हो जाती है। तो राजभाषा का मतलब ये होता है राज्य में लोगों के द्वारा स्वीकृत भाषा। क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है।
उस राज्य में जिस जो भी सरकारी कार्यालय है, जितने भी सरकारी दफ्तर कह सकते हो, गवर्नमेंटेड ऑफिस है, उनमें जिस भाषा का प्रयोग होता है, पत्राचार में जिस भाषा का प्रयोग होता है, वह भाषा भारत में इस प्रकार से 22 राजभाषाएं हैं। ये अपनी जो हिंदी राजभाषा है, 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा दर्जा दिया गया, इसीलिए हम लोग इस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी को स्थापित किया गया था। यद्यपि राजभाषा जैसा शब्द सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया था, वो थे चक्रवर्ती राजगोपाल चारी, इन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और धीरे धीरे इस पर बल दिया गया। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ये चैप्टर हमारा अलग रहेगा, इसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी हम जो कर रहे हैं वो आवश्यक है। राजभाषा हमने जान लिया क्या है, इसका इतिहास बाद में जानते हैं। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो संपूर्ण राज्य की अखंड एक भाषा होती है, जिसको संपूर्ण जन समुदाय अपने हृदय से स्वीकार करता है। भारत में संस्कृत और हिंदी दोनों महत्वपूर्ण भाषाएं थी, अंतर्द्वंद होता रहा, हिंदी को स्वीकार करने की बात कही गई, लेकिन राष्ट्रभाषा तभी राष्ट्रभाषा हो सकती थी जब राष्ट्र पूरी तरह से आजाद होता। राष्ट्र जब हमारा आजाद हुआ तो इससे पहले अंग्रेजों का आधिपत्य था, जितने भी कार्य संपादित किए जा रहे थे वो सबके सब अंग्रेजी में किए जा रहे थे। यदि ऐसे समय में हिंदी को अचानक रखा जाता तो अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता। उस नुकसान से बचाने के लिए संविधान में एक प्रस्ताव रखा गया कि आगामी 5 और 10 वर्ष के लिए हम अंग्रेजी को भी साथ साथ रखते हैं। 5 वर्ष के लिए था ये कि 5 वर्ष हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों को साथ रखते हैं और 5 वर्ष के बाद में अंग्रेजी को समाप्त करके हिंदी को पूरी तरह से स्थापित कर लिया जाएगा। ऐसा होता रहा 5 वर्ष तक, लेकिन ये देखा गया कि अंग्रेजी अधिक प्रभावशाली है, तो उन्होंने कहा कि 5 वर्ष और अंग्रेजी को रखते हैं, आगामी 5 वर्ष में इसको समाप्त किया जाएगा। फिर से ये हुआ और आगामी 10 वर्ष पर जो फिर से सभा होनी थी वो किन्हीं कारणों से ना हो पाई और उस पर विचार नहीं किया गया। और इस तरह से आज भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों का जो है ये चल रहा है। और मुझे जैसा कि प्रतीत होता है आप लोगों के व्यवहार से या चीजों को देखते हुए, राष्ट्रभाषा नाम की कोई चीज पहली बात अब हमारे यहाँ पर है नहीं, राष्ट्रभाषा नाम की कोई भी भाषा हमारे भारत में नहीं है, और अगर कुछ है भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि वो अंग्रेजी है, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में अंग्रेजी हर राज्य में बोली जाती है, हिंदी इतना प्रभावी नहीं है। कारण क्या है आप लोग स्वयं जानो और स्वयं समझो, और वो स्वयं समझने की बात ये है कि आप लोग खुद ही हिंदी को बोलने में अपना अपमान जैसा महसूस करते हो और अंग्रेजी बोलने में खुद का वर्चस्व और सम्मान महसूस करते हो। ये सबकी बात कर रहा हूँ। अभी आप कहीं पर किसी पार्टी में किसी जगह पर आप जाते हो, कोई ऐसा सेमिनार या कोई ऐसी जगह है, तो आप वहाँ पर एक जहाँ पर सामान्य व्यक्ति होते हैं, आप वहाँ पर हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम अपने व्यक्तित्व और अपने स्थिति को अधिक मजबूत महसूस करते हो, ऐसा है कि नहीं है? और हिंदी बोल भाषी लोगों को आप निकृष्ट मानते हो उस जगह पर, हिंदी को निकृष्ट मानते हो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस जगह पर उस व्यक्ति को आप एक ओछी नजर से देखने लगते हो, अरे यार ये तो हिंदी बोल रहा है। ऐसा है हमारे देश में, क्योंकि ऐसा मैंने कई जगह पर महसूस किया है लोगों के द्वारा। अभी आपको किसी को इंप्रेस करना होता है तो तुम अंग्रेजी में बात करते हो, हिंदी वहां पर प्रयोग नहीं करते हो। तो ये आपकी सोच है, आप हिंदी भाषी देश में रहते हो, खुद को हिंदू कहते हो, सनातन धर्मी बनते हो, अपने धर्म के लिए मर मिटने को तैयार हो, लेकिन जब भाषा की बात आती है तो पता नहीं क्यों अंग्रेजी से प्यार करने लगते हो, हिंदी से तुम्हें नफरत जैसी होने लगती है। अब ये तुम जानो ऐसा क्यों करते हो।
राष्ट्रभाषा भी समझ में आ गई होगी। मातृभाषा, मातृभाषा का मतलब होता है जिस भाषा को हम अपनी माँ से और अपने आसपास के परिवेश से ग्रहण करते हैं उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की कोई भी हो सकती है, ठीक। मातृभाषा का मतलब माता पिता जिस भाषा को बोलते हैं बच्चा सबसे पहले स्वभाव से उसी भाषा को सीखता है। तो जो माता पिता और अपने परिवार के लोगों से भाषा सीखी जाती है उस भाषा को मातृभाषा के नाम से जाना जाता है। कोई संदेह तो नहीं है मेरी बातों में। उपभाषा, किसी भाषा को सीखने के बाद में अगर हम उस पर किसी दूसरी भाषा का प्रभाव डालने लगे और किसी दूसरे ढंग से बोलना शुरू कर दें तो उस भाषा को हम उपभाषा के नाम से जानते हैं। मतलब एक भाषा से विकसित होने वाली दूसरी भाषा को उपभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा से आपकी इस समय पर बड़ी प्रचलन में है भोजपुरी, हिंदी भाषा से ही तो उत्पन्न है, लेकिन थोड़ा सा उसका बोलचाल का ढंग अलग है, तरीका अलग है, शब्दावली अलग है, तो वो क्या कहलाएगी? हिंदी की उपभाषा। भाई है तो हिंदी, बस हिंदी की वो एक उपभाषा हो गई। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा बदलती रहती है। कैसे? जैसे यहां पर क्लास में जब हम आपसे बोल रहे हैं तो हमारे और आपके बीच में जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है इसकी भाषा शैली अलग है। यही जब आप क्लास के बाहर अब देखो मैंने एक बात अभी भाषा अपनाई क्या यो मनी है ना, ये इसीलिए जानबूझकर अपनाई। इसको कहते हैं संपर्क भाषा। ये असली भाषा थी, ये असली भाषा थी, और जो हम तुमको पढ़ाने के लिए जो अपने विचारों को आदान प्रदान के लिए जो बोल रहे हैं ये भाषा मानक भाषा और परिनिष्ठित भाषा, ठीक। अयो मनी है नहीं का करैया है, ये हमारी कैसी भाषा है? जिस भाषा में हम एक दूसरे से सहज बात कर लेते हैं। भाई हम किसी से सब्जी खरीदने गए तो क्या हम इसी भाषा में इसी लैंग्वेज में बात करेंगे उससे? नहीं, उस समय पर उतनी देर के लिए हम उससे उसकी भाषा में बात कर लेंगे, क्योंकि हमें उससे संपर्क बनाना है ना, उससे वस्तु लेनी है। तो जब वस्तु लेनी है भैया कितने में लगाई, का भाव दई, तो ये क्या है? ये संपर्क भाषा है, हमें संपर्क साधना है उससे। तो जब हम आदान प्रदान करते हैं थोड़ी देर के लिए हमारी भाषा शैली उसकी तरह हो जाती है, उस भाषा को क्या कहते हैं? संपर्क भाषा। प्रयोजन मूलक भाषा, प्रयोजन मूलक भाषा होती है कोई विशिष्ट कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी भाषा को अपनाना। जैसे कोई नियम अध्यादेश अगर पारित करना है तो उसको लिखने के लिए हम बहुत देर सोचते हैं कि किस शब्दावली में लिखा जाए तो उचित और प्रभावशाली रहे। बोलने के लिए आप किसी भी शब्द में बोल दो, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने कहा इधर भैया इधर ही बैठो, और जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे पूर्व बैठने की व्यवस्था पुरुष वर्ग, बैठने की व्यवस्था महिला वर्ग, माताएं या महिलाएं इधर आसन ग्रहण करें, है ना। तो काफी सोचते हैं कि किस शब्द के द्वारा लिखा जाए तो उचित और प्रभावी रहे और सामान्य रूप से उसको समझ भी दिया जा सके। तो इसको कहा जाता है प्रयोजन मूलक भाषा। जैसा प्रयोजन वैसी भाषा प्रयोग करना, जैसा प्रयोजन। जैसे यहां पर आपको बिठाना है तो हम लिखेंगे छात्रगण इधर बैठे, और बस पर है तो छात्रगण नहीं यात्रीगण। प्रयोजन मूलक, यहां पर छात्र है प्रयोजन हमारा ये, और बस पर यात्री है तो प्रयोजन हुआ। बात समझ पा रहे हो? और कथा पांडल है तो भक्तगण,
है ना श्रोतागण। तो ये भाषा कैसी हो गई? जैसा कार्यक्रम, जैसा प्रयोजन, वैसी भाषा। आप जैसा जैसी एप्लीकेशन लिखना चाहते हो, जिस ऑफिस में एप्लीकेशन देना चाहते हो, उस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। बैंक की एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो लिखोगे हमारे खाते में जो है संचित धनराशि, ऐसे लिखोगे ना धनराशि। अब यहां में गए हमारे पैसा दो, ऐसे ही तो बोलोगे ना। तो प्रयोजन मूलक भाषा को भी मैं समझता हूं कि आपने बिल्कुल ठक से समझ लिया होगा, ठीक ठाक कि प्रयोजन मूलक भाषा क्या है। मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा, जो जितनी भी देर हम यहां पर आपको बोलते हैं पढ़ाते हैं, ये भाषा कौन सी रहती है? मानक और परिनिष्ठित। हमको ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रामीण शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। अगर किया जा रहा है तो उसका भी एक निश्चित प्रयोजन होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने किया था, हमारा काम भी हुआ और हमने उसको समझा भी दिया कि इसका तात्पर्य ये था। तो जो हम पठन पाठन में, अध्ययन अध्यापन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो मानक या परिनिष्ठित भाषा होती है, जिससे कि अपने भावों को एक मौलिक रूप में वहां पर दिया जा सके, प्रस्तुत किया जा सके। इस प्रकार से हमने आपको नौ भेद भाषा के बताए हैं और भाषा की उत्पत्ति और भाषा और बोली में अंतर बताया है। अगर आपका कोई प्रश्न रह गया है, कुछ आप जानना चाहते हो, तो अपने प्रश्नों को कहिए, पूछो, कुछ पूछना होगा। एक एक बच्चा है, कोई कुछ पूछना है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 343 से 351 तक इसका वर्णन किया गया है। 343 में ऐसा विचार किया गया था कि किया जाए, और 344 में इसको, 44-45 में इसको स्थापित किया गया। 343 में ही नहीं किया गया, अगले वाले में किया गया, ठीक है, उसमें तो चर्चा की गई थी। इसमें ऐसा है, संविधान की धारा 343, ये आपका संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी रहेगी, ऐसा विचार किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय रहेगा। शासकीय प्रयोजन हेतु 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना और बाद में हिंदी को प्रतिष्ठित करना, ऐसा निश्चित किया गया था। किसमें? 343, जो कि अभी हमने आपको बताया था, 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष, लेकिन फिर ऐसा आज तक लेकिन हो नहीं पाया। किया गया था लेकिन ऐसा आज तक अभी हुआ नहीं था। और 344 में कहा गया था, संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन उल्लेख, परिणामतः राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ। राजभाषा आयोग का गठन किया गया दूसरे वाले में, पहले में नहीं, दूसरे में। फिर 344-4 के अंतर्गत समिति का गठन हुआ, जिसमें लोकसभा से 20 सदस्य तथा राज्यसभा से 10 सदस्यों का चयन किया गया। इस प्रकार राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में संपन्न की गई, ठीक, बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। फिर अनुच्छेद 345 में राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा अथवा हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया, जैसा कि हमने आपको बताया, 2 के बाद में 3 में स्थान उसको मिल पाया। 345 में विधानमंडल द्वारा हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया और विकल्प के रूप में अंग्रेजी यथावत रहेगी, ऐसा भी कहा गया, ठीक है। हिंदी के स्थान पर कोई भी भाषा प्रयोग की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, और करते हैं भाई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, तभी तो 22 भाषाओं का विधान किया गया।
हमने बताया कि ये हमारा टॉपिक अब अगले वाले में रहेगा, आज का समय हो गया ना, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर, मैं अपने समय को बहुत कैलकुलेट करके चलता हूँ, मैंने आपको बताया था कि इससे ज्यादा हटे नहीं कि समय हो जाएगा, समय हो चुका है, ठीक है। तो ये चर्चा हम आपको अगले क्लास में करते हुए आपको पूरा हिंदी का संवैधानिक स्थिति समस्त अनुच्छेदों को आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेते हैं विदा।